चैनपुर प्रखंड में अवैध बालू उठाव के खिलाफ झामुमो ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस प्रशासन व चैनल कर्मियों की मिलीभगत से चैनपुर प्रखंड के शंख नदी से अवैध बालू का उठाव बदस्तूर जारी है। कई माफिया प्रशासन की सह पाकर सुबह से लेकर रात तक शंख नदी से अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अवैध बालू उठाव व पुलिस प्रशासन के द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। झामुमो के जिला उपाध्यक्ष सह जिला 20 सूत्री सदस्य सुशील दीपक मिंज ने कहा है कि चैनपुर प्रखंड में अवैध बालू उठाव के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जबकि चैनपुर के अधिकांश ट्रैक्टर मालिक व मजदूर बेलचा से उठाव कर निजी कार्य अथवा सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना जैसे मनरेगा के कार्यों के लिए बालू का उठाव करते हैं, लेकिन प्रशासनिक तंत्रों के द्वारा यहां के मजदूरों और स्थानीय ट्रैक्टर मालिकों को हराश कर अवैध तरीके से पैसे की वसूली गलत तरीके से करने की बात प्रकाश में आई है, जो सरासर गलत है। जंगल जमीन की पार्टी है, गरीब गुरबा की पार्टी है, और यदि जल गरीब गुरबा की पार्टी में जितने लोग हैं गरीब गुरबा लोगों के साथ शोषण होगा तो निश्चित रूप से इसके लिए आंदोलन करेगी। चैनपुर प्रखंड में यहाँ पर लेबर लोगों के माध्यम से बालू का उठाव होता है शंख नदी से, और जानकारी प्राप्त हुआ लेबर लोगों के माध्यम से, मजदूर के माध्यम से, कि यहाँ सरकारी कर्मचारी कुछ बिचौलियों के माध्यम से पैसा का उगाही कर रहे हैं, जबकि यहाँ जो बालू उठाव हो रहा है ना ही यहाँ का बालू बाहर जाता है, ना ही इस बालू का दूसरे राज्य में इसका बिक्री हो रहा है, बावजूद कुछ बिचौलिए सरकारी कर्मचारी लोग यहाँ के माफियाओं के माध्यम से या फिर कुछ बिचौलियों के माध्यम से पैसा का वसूली कर रहे हैं, जो यहाँ पर जितने भी सरकारी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जैसे मनरेगा का कार्यक्रम हो रहा है, गैस सेट, बकरी सेट, वो प्रभावित हो रहे हैं, और जिसके चलते यहाँ के जो मजदूर लोग हैं दिनचर्या उनका जो कमाई है वो भी प्रभावित हो रहा है। अगर यहाँ के गरीब मजदूर लोग प्रभावित होंगे, उनका दिनचर्या नहीं चलेगा, तो हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी उनके लिए आंदोलन करेगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे जितने भी ट्रैक्टर मालिक हैं, मजदूर लोग हैं, बेलचा लेके प्रखंड कार्यालय में हम लोग पहुँचेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की पार्टी है, और अगर यदि जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोगों के साथ शोषण होगा, शोषक वर्ग मजदूर किसान के साथ शोषण करेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आंदोलन करेगी, और इतना ही नहीं प्रखंड से लेकर जिला तक आंदोलन करेगी। जिस तरह से अभी हमारा जो चैनपुर प्रखंड में जो मजदूर किसान लोग हैं बेलचा मार के बालू का उठाव करते हैं, हमारा क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में मनरेगा से बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, गैस शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड बन रहा है, अगर ऐसे योजनाओं में बालू का उठाव बेलचा मार के अगर किसान करता है, मजदूर करता है, अगर उनके ऊपर में कार्रवाई होती है या फिर सरकारी कर्मचारी लोग बिचौलिए के माध्यम से सरकारी पैसा का दोहन करते हैं, उनसे पैसा का लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे झारखंड मुक्ति पार्टी आंदोलन करेगी, प्रखंड स्तर से लेकर जिला तक आंदोलन करेगी। सुशील दीपक मिंज, जेएमएम जिला उपाध्यक्ष चैनपुर। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।